हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 की। तो ये दोस्तों, यह वीडियो आपका मैथमेटिक्स का। आपको इससे पहले बताना चाहेंगे, हम आपको मैथमेटिक्स के वो क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको पिछले ईयर्स पूछे गए हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं रूल, रेगुलेशन और टिप्स, तरीके सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके पहले बताना चाहूँगा, इससे सभी वीडियो पहले के देखने के लिए, इससे रिलेटेड सभी पहले मैंने जितने भी 25 प्लस वीडियो आपको अपलोड कर दिया मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे, वहां से चेकआउट कीजिए और सभी वीडियो आप देख सकते हैं। और दोस्त, एंट्रेंस एग्जाम 2020 की तैयारी कैसे करें, इस पर हमने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जैसे क्लिक करेंगे आप उस वीडियो को डायरेक्टली देख सकेंगे। और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इस टॉपिक पर आपको डिटेल से समझाया गया। तो वीडियो कैसा लगेगा इस पर कमेंट करके हमें आप बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका भी आपको लिंक दिया है, कैसे एंट्रेंस एग्जाम 2020 में तैयारी करें, डिटेल्स में आपको समझाया गया है। तो देखिए दोस्त, हमने आपके लिए आज के इस वीडियो में पहला क्वेश्चन लिया है कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों का जो अनुपात है 1:2:3 है, कितना है 1:2:3 है, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, जो कि आपका पॉलिटेक्निक 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, मतलब त्रिभुज के कोणों का अनुपात आपको 1:2:3 दिया है, तो आप बताइए कि उनकी संगत भुजाओं के का अनुपात कितना होगा, जो कि आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, आपको इस सलूशन इस प्रकार इसका होगा कि देखिए दोस्त, आपको पता है कि ये कोण है, तो आपके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जैसे ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो सिंपली यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो त्रिभुज के कोणों का अनुपात ऐसे आपसे बात कर रहा है, तो क्या है ये कि त्रिभुज है, इसमें ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, तो इसके तीनों का योग कितना आता है 180। आपको पता है त्रिभुज के कोणों का योग जो अंदर होता है, उसके कोणों का योग कितना होता है 180। तो सिंपली यहाँ पर आपका अनुपात जो दिया है 1:2:3 होगा। इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा x+2x+3x=180। तो 6x = कितना आ जाएगा 180 डिग्री, और x = कितना आ जाएगा 30 डिग्री। x = कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो सिंपली आपका x का मान कितना आ गया 30। अब x का मान का जब यहाँ रखेंगे तो 1x का मान आ जाएगा 30 डिग्री, एक आपका x यहाँ पर रखेंगे तो 2x का मान आ जाएगा कितना 60 डिग्री, और जब यहाँ पर आप रखेंगे 3x की जगह पर 30 तो आपका हो जाएगा 9x। और इसको आप ऐड करेंगे, यहाँ पर इस तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 180। इसको जोड़ लीजिए, 9, 6, 15, और 15, 3 कितना होगा 18, अर्थात इसको पूरा जोड़ेंगे तो 180 आएगा। बात इतनी सी, तो अनुपात में चेंज करता है, तो उसको क्या करना है आपको इस प्रकार लिखकर उसको ऐड करके एक्स का मान निकालना है, फिर डायरेक्टली यहाँ पर पुटअप करना है, आपको एंगल आ जाएंगे। अब बात यहाँ पर आपसे ये पूछा था कि उनके अनुपात क्या होगा, उनके भुजाओं में क्या अनुपात होगा, ये आपसे पूछा। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको साइन, ये आपका फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। आपका होता है साइन 30, मतलब साइन थीटा हो गया, यहाँ पर आपका साइन थीटा प्लस जितना होगा वो, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस जितना होगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर साइन की बात की जाती है। तो यहाँ पर आपका एक बार साइन 30 होगा एक भुजा, एक आपकी साइन 60 होगी, एक आपका साइन 90 होगा, तो आपके कितने अनुपात हुए 3। तो भुजाओं के अनुपात की बात करेंगे तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो सिंपली आप इसको देखेंगे तो 1:2 √3/2 1:1, यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे किया गया। तो कुछ भी नहीं दोस्त, यहाँ पर नीचे से क्या ले लिया गया, यहाँ पर जैसा देख सकते हैं ये ऊपर का यहाँ पर अनुपात आप देख रहे हैं 1:2:2, यहाँ पर 1:√3/2 रहा है, अर्थात सिंपली यहाँ पर 1/2 अगर आप यहाँ पर से बाहर लेते हैं तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका √3 से नहीं होगा, यहाँ पर जो एलसीएम बनेगा वो 2 बनेगा, तो सिंपली इधर आपका जाएगा तो 1:√3/2, ये आपका आंसर आएगा पहले क्वेश्चन का। आपसे यही पूछा था कि आप बताइए कि उसकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1:1
√3:2 होगा। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। आगे दोस्तों आपको इसी प्रकार वीडियो मिलेगी और आपके कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग प्रक्रिया से रिलेटेड सभी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 1:3:5 में है तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। यहाँ पर आपको एक दिया गया है, एक त्रिभुज के कोणों का योग 1:3:5 इतना दिया गया है और आपको बताना है कि त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा है। तो ये भी आपका पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दोस्त यहाँ पर क्या होगा कि आपका x+3x+5x = 180° होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, तो 9x हो जाएगा। ये सभी जोड़ेंगे, 5 θ 1 9, 9x = कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और इस 9 को नीचे आप भेज देंगे तो 180 डिग्री अपान कितना होगा 9 होगा, अर्थात जो आएगा इसको आप लिख सकते हैं पाई अपान 9। ठीक है, 180 को क्या लिख सकते हैं आप पाई, तो पाई अपान 9 एक्स का मान आ गया। हमको निकालना था मध्यतम कोण, अर्थात कौन सा कोण इसमें मध्य आपका महत्तम होगा, मैक्सिमम होगा, तो 5/9 × π। कैसे दोस्त, आप यहाँ पर इसको मिला सकते हैं, सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू है, सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू है 5x की, किसकी वैल्यू है 5x, और x की वैल्यू आपने निकाला π/9, तो आपका हो जाएगा 5π/9। कितना आंसर आ जाएगा 5π/9, ये 5 गुना आपका यहाँ पर इंक्रीज कर रहा, महत्तम मतलब यहाँ पर जो आपका है π/9 उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5π/9 आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त आपके लिए है कि त्रिभुज ABC के शीर्षों ABC में डाले गए शीर्ष लंब और P1 P2 P3 है, और क्षेत्रफल आपका यहाँ पर क्षेत्रफल अभी आपको क्षेत्रफल हो तो आपका P1 inverse + P2 inverse + P3 inverse यहाँ पर कितना होगा, ये आपसे पूछा, ये पॉलिटेक्निक 2011 में ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा चुका है। तो देखिए दोस्त, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगाने के लिए रूल पता होने चाहिए जो कि आपको हम बताने वाले हैं। देखिए ये क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर आपसे कहें कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए तो 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपका होता है 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे 1/2 AP1, और यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे का ½ PB2, और तीसरे का देखेंगे तो ½ PB3। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा ये 3 आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको क्या है कि ये शीर्ष लंब P1 P2 P3 यहाँ पर शीर्षलंब है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका इतना है, तो P1 inverse P2 inverse P3 inverse क्या है, यहाँ पर आपको इनको जोड़ के आपका आंसर ज्ञात करना है। तो सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पता होना चाहिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है वो हाफ लंबाई गुणे चौड़ाई, हाफ AP1 होगा, एक आपका δ = ½ PB2 होगा, एक आपका δ = ½ CP3 होगा। ओके, 3 आपके यहाँ पर होंगे। अब आपको यहाँ पर पहले P1 की वैल्यू निकालना है, तो P1 = क्या हो जाएगा 2δ/A। कैसे दोस्त, ये 2 को इधर से मल्टीप्लाई करिए तो 2δ हो जाएगा, नीचे ऊपर नीचे चला जाएगा तो P1 की वैल्यू आ गई आपका 2δ/A, P2 की वैल्यू आ जाएगी 2δ/B, और सिमिलर इसी प्रकार यहाँ पर आपका आ जाएगा P3 = 2δ/C। ओके, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर तीनों को ऐड करने का मतलब है आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, 1/P1 + 1/P2 - 1/P3। तो सिंपली आपने P1 की वैल्यू कितना निकाला, 2δ/A यहाँ पुट अप करेंगे, फिर आपने क्या निकाला P2 की वैल्यू निकाला आपने कितना इसका दोस्त आया 2δ/B, तो सिंपली B/2δ यहाँ पर पुट अप करेंगे। लास्ट दोस्त आपका 2δ/C, तो सिंपली यहाँ पर पुट अप करेंगे तो C/2δ होगा। तो आपने देखा यहाँ फार्मूले को सिंपली यहाँ पर पुट अप करना था और यहाँ पर आपको रखना था। अब देखेंगे आप 2δ नीचे से कॉमन होगा, जैसे 2δ नीचे से कॉमन होगा ऊपर हो जाएगा A+B+C, और A+B+C की जगह पर आप लिख सकते हैं 2S-C/2δ, 2S-C/2δ, और यहाँ पर आप 2 कैंसिल कर दीजिए, S-C/δ यहाँ पर बचेगा, क्या बचेगा S-C/δ। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट थे जो कि आपके पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन थे और इस बार आने की पूरी पूरी